मानव समुदाय में मानव के बाह्य कार्य क्षेत्र में जो कुछ किया जाता है इसके मूल उत्पत्ति स्थान तो मानव के बुद्धि है, मानव के मन है। मन में जैसा विचार उठता है वैसे जाकर के वो कर्म करता है। तो चेष्टा जो कर्म है पश्चात, लेकिन प्रथम मन में एक वृत्ति वृत्ति के रूप में उठता है, एक ख्याल उठता है, और वो ख्याल उनके मन में जब उठा उसकी तरफ उसका लक्ष्य जाता है, और लक्ष्य जाकर के वो एक विचार के रूप में तो परिणित हो गया तो उसको आचार के रूप में अभिव्यक्त करता है। इसलिए मानव का हर कर्म के पीछे उनके मन का वृत्ति है। मन के अंदर कुछ ना कुछ एक विचार आ गया, उसके बाद ऐसा करूंगा वैसा करूंगा निर्णय करके अहंकार तत्व तो उसके साथ जुड़ करके वो एक कार्य रूप में परिणित होता है, अभिव्यक्त होता है। इसलिए मानव के विचार के भूमिका में एक सकारात्मक एक हम एक चेंज एक नवीनता एक नूतनता एक परिवर्तन हमने बनाने के लिए कोशिश करके हम सफल बन गया। मानव का विचार जब बदल गया पूरा के पूरा मानव का चरित्र और चेष्टा बदल जाएगा, और एक परिवार का एक समाज का एक देश का हालत बदल सकता है यदि विचार बदल गया। लेकिन वही बात है यदि वो विचार गलत दिशा में बदल गए, उसकी परिवर्तन जो है गलत दिशा में प्रवृत्त हो गया जब अनिष्ट के कारण बन जाएगा। अब देखिए पंजाब में जम्मू कश्मीर में अन्य क्षेत्रों में हिंसात्मक प्रवृत्ति हो रहा है और वहां पर द्वेष क्लेश कला हो रहा है, और रोज रोज तो आदमी को वो कत्ल कर रहे हैं। तो इसका सब मूल कारण क्या है? कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के अंदर दुर्बुद्धि दूषित विचार और राग द्वेष भावना में उनके अंदर नकारात्मक भावना बस गया है, उनके मन के पूरा प्रवृत्ति गलत दिशा में जा रहा है। उनके अंदर इस प्रकार के विचार इस प्रकार के दूषित विचार कलुषित विचार आने से तो उसके अंतिम प्रभाव जो है आघात है, हिंसा है, अशांति है, क्लेश और कलह, परिवर्तन यहाँ पर होने में आदमी सुधर सकता है या आदमी बर्बाद हो सकता है। इसलिए ये जो छप करके इन लोगों ने ये ज्ञान प्रसार दिया है ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो इसके अंदर वो शक्ति है क्योंकि महापुरुषों का वाक्य है, वेद के वचन, रामायण के वचन, भागवत के वचन, गुरु महाराज स्वामी शिवानंद के वचन, अन्य संतों के वचन उसके ऊपर प्रभावशाली है। तो उसको आप सेवन करते करते जाने में तो अंततोगत्वा, क्योंकि बीज रूप में पहले जाता है, बीज को बोते ही वृक्ष को हम प्राप्त नहीं करते हैं, ना फसल को प्राप्त करता है किसान, ना कोई फल को प्राप्त करता है जो हॉर्टिकल्चर कर करके जो पेड़ को उगाने वाला फल के वृक्षों को उगाने वाला बीज बोने के बाद कई साल तक उसका सेवा करना पड़ता है, अंततोगत्वा फल मिलता है। इसलिए ये सब विचार हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, स्वीकार करके अंदर ग्रहण करते हैं, ये बीज रूप है। आस्ते आस्ते ये अंदर काम करते 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 जैसा मैंने कहा कि मनन करना चाहिए, और ये मनन को आपके घर में जाकर के दैनिक सब ग्रंथों की पाठ पठन द्वारा इसको कहते हैं स्वाध्याय। एक तो मुख्य एक साधना है, ये साधना सर्वसमान साधना है। वेदांत मार्ग में ज्ञान योग की मार्ग में वहां पर भी स्वाध्याय होना चाहिए, ज्ञान ग्रंथों की स्वाध्याय, उपनिषद की, ब्रह्मसूत्र की, विचार सागर की, अपना विवेक चूड़ामणि की, पंचदशी की वो अध्ययन करते हैं, रोज रोज पढ़ते हैं, वहां पर भी स्वाध्याय है। और भक्ति मार्ग में प्रेम मार्ग में वहां पर भी स्वाध्याय है, भगवत को स्वाध्याय करना चाहिए, रामायण की,
श्रीमद् भागवत महापुराण की संतों की चरित्र की भक्तों की चरित्र और रचना की स्वाध्याय और गीता की स्वाध्याय। इसी प्रकार से जो योगी है वेदांती भी नहीं है, ज्ञान मार्गी भी नहीं है, केवल भक्ति मार्गी भी नहीं है। पतंजलि महर्षि से जो बना हुआ जो मार्ग पातंजल दर्शन योग दर्शन उसका अनुयायी है, अष्टांग योग करने वाला ध्यान योगी है, उनके लिए भी अपना विचार को शुद्ध करके मन को सूक्ष्म बनाने के लिए, मन से जो राजसिक और तामसिक विचारों को हटा करके मन को सूक्ष्म बना करके पवित्र बनाने के लिए, ताकि सूक्ष्म सात्विक पवित्र मन में ही एकाग्रता हो सकता है, अंतर्मुखता आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता है। यहाँ मन स्थूल है, दूषित, उसके अंदर कई प्रकार के विचार इत्यादि है, तामसिक और राजसिक विचार इत्यादि है, वो मन स्थूल है, मलिन है, वो कदापि अपना बहिर्मुखत्व को छोड़ करके अंतर्मुखी बनना बहुत मुश्किल है। बिना अंतर्मुखी बने हुए हम अपना मन से धारणा नहीं कर सकते, एकाग्रता नहीं बना सकते। सूक्ष्म मन के अंदर ही मन इधर उधर बाहर जाने की चेष्टा आस्ते आस्ते घटा करके अपने आप को अंतर्मुखी बन जाता है। जब तक मन मलिन और स्थूल है तब रजोगुण उसको, उनकी स्थूलता हमेशा विषयों के तरफ विषयाकार वृत्ति उसके अंदर बना रहेगा। विषयाकार वृत्ति छोड़ करके उसके अंदर भगवताकार वृत्ति होना चाहिए। मन आस्ते 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 क्रमशः पवित्र बनते जाना चाहिए, सात्विक बनते जाना चाहिए, सूक्ष्म बनते जाना चाहिए, स्थूलता को छोड़ देना चाहिए। इसके लिए क्या उपाय है? अनेक उपायों में बहुत महत्वपूर्ण मुख्य उपाय उन्होंने बताया। जहाँ पर मलिनता है हम क्या करते हैं, सफाई करने वाला कोई शक्ति है तो वहां जाकर के उसको पहुंचाते हैं, उसके द्वारा मलिनता को निकाल देते हैं। कपड़ा मैला हो गया, गंदा हो गया, तब क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, उसके बाद सर्फ या साबुन को डाल करके खूब उसको खच करके हम धोते हैं। साबुन में साफ बनाने की शक्ति है, गर्म पानी में भी चिकनाई चीज तेल है उसको फ्री करने की, साफ करने की शक्ति है। दोनों मिलकर के जब कपड़े के ऊपर इसका प्रयोग होता है, गर्म पानी और साबुन का, पूरा वही गंदगी उसका चले जाते, पुनः कपड़ा शुभ्र हो जाता है। क्यों? हमें उसके मैल मैला अवस्था में शुद्धि करने की शक्ति को पहुंचा के प्रयोग करके उससे हम इसको मैल से मुक्त करके शुभ्र किया। इसी प्रकार से यदि मन मलिन है, अनेक प्रकार की पुराने आदत है, बचपन से हम कई प्रकार के मन ये किया है, मन भोग किया है, कई प्रकार के संगत रखा है, कई प्रकार के विचारों को अंदर धारण कर लिया है, इसके कारण जब मन मलिन हो गया है, स्थूल हो गया है, हमें क्या करना चाहिए, वहां पर ऐसा प्रयोग करना चाहिए। क्या पहुंचाए अंदर, साथ करने वाला चीज, सद विचार, उत्तम उत्तम विचार, अच्छा विषय, वो क्या है, भागवत में, धर्मशास्त्रों में, रामायण में महान आदर्श, और संतों की कथा में, और गीता की प्रभावशाली भगवान का स्वयं दिव्य वाणी द्वारा उनका मुखारविंद से निकला हुआ अमृत आदेश, अमृत संदेश, अमृत उपदेश, इसको हम ग्रहण करते करते जाएं, उसके अंदर सब मलिनता को दूर करके अंदर एकदम पवित्रता को बसाने की शक्ति इन बातों में, इन विचारों में है। दिन प्रतिदिन उसको ग्रहण करते जाना, ऐसा दिन प्रतिदिन उत्तम विचार, क्रांतिकारी हमारे अंदर एक सकारात्मक पवित्रता को, एक परिवर्तन को ले आने वाला शक्तिशाली विचार, क्या इसी को ग्रहण करने का विधान है स्वाध्याय। सदग्रंथों की अध्ययन, ये पाठ नहीं है, जैसा कि विष्णु सहस्रनाम पाठ किया या हनुमान चालीसा जी पाठ किया, वो तो रखते चले गया, तो उसके अंदर अर्थ को ग्रहण करके उसके ऊपर सोच करके हम नहीं करते हैं, उसको अंदर गहराई तक नहीं लेते हैं, वो ओट की पाठ है। तो पाठ की जो पद्धति रख लेता है ना, उनको वो पाठ समाप्त करने से
एकदम स्पीड में एक्सप्रेस ट्रेन में जाकर के समाप्त कर लेता है, उसके कोई प्रभाव हमारे अंदर तक नहीं पहुंचता है। इसलिए पारायण दूसरा चीज है, पाठ या पारायण दूसरा चीज है, लेकिन स्वाध्याय जो है ये अध्ययन है, स्टडी है। उसका जो चीज को पढ़ते हैं उसके ऊपर हम ध्यान पूर्वक उसके ऊपर मन को केंद्रित करके उसका अर्थ को ग्रहण करके उसे हम प्रभावित होकर के हमारे अंदर एक प्रकार की नया प्रेरणा को वो प्रेरणा को स्वाध्याय प्रवचन स्वाध्याय प्रवचन को सुनना चाहिए। श्रवण के द्वारा इस प्रकार की पवित्र सद विचारों को ग्रहण करना चाहिए और घर में प्रवचन को सुनने की हमेशा प्रतिदिन तो मौका नहीं मिलता है, जितना मौका मिला करना चाहिए। श्रवण के द्वारा सद विचारों को ग्रहण करना, ज्ञान की पान, पवित्र विचारों को हम अंदर पहुंचाना और घर घर में रह करके जो यहाँ पर श्रवण के द्वारा आपने पवित्र विचारों को अंदर ग्रहण किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको पुष्टि करने के लिए हम दैनिक स्वाध्याय की साधना को बिना चुके करना चाहिए। प्रतिदिन घर में जाकर के स्वाध्याय गीता की, भागवत की, रामायण की, अन्य संग्रंथों की स्वाध्याय कर करके इन विचारों को ग्रहण करते करते जाए तब क्या होगा, ये रोज 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 ये प्रभावशाली विचार हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त तक पहुंच करके अंदर वो सक्रिय एक परिवर्तन को शुरू करेगा, मन को साफ करेगा, चित्त शुद्ध होगा, सात्विक बनाएगा मनोवृत्तियों को। ऐसा सात्विक बनाया हुआ तो मन के द्वारा अंतर्मुखता बन करके, ऐसा अंतर्मुखी मन में योगी क्या करता है, उसके अंदर धारणा करने के लिए एक ही विचार पर एक ही पॉइंट में पुनः पुनः अपना मन को टिकाने के लिए कोशिश करता है। ये छठा अंग है अष्टांग योग की, धारणा करने के लिए अभ्यास करना। छठा अध्याय में ये धारणा के विषय में बहुत श्री कृष्ण भगवान उपदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं अर्जुन को। ऐसा एक जगह में बैठ करके, एक आसन में बैठ करके, ये निवास स्थान में, साफ सफाई स्थान में, शुचिर देशे प्रतिष्ठाप्य, कैसा स्थिरम आसन और किस प्रकार के आसन लाना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा प्राणायाम करना चाहिए, उसके बाद एकाग्रचित करने के लिए कैसा कोशिश करना चाहिए, इसके बारे में, धारणा के बारे में, ध्यान के बारे में बहुत अच्छा समझाया है। आत्मसंयम योग नामक षष्ठम अध्याय में, और ये करते करते जब मन एकदम टिक जाता है तब ये धारणा की प्रक्रिया अटूट अखंड धारा प्रवाह के रूप में कुछ समय तक, कुछ मात्रा तक बनने में तब इसको एक ध्यान ऐसा गिना जाता है। तो लेकिन कहानी के मतलब ये है, जो स्वाध्याय को एक दिन भी छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा उपनिषद में, ज्ञान मार्ग में, वेदांत में उपदेश देते वक्त उपनिषद में कहते हैं एक दिन भी स्वाध्याय को हम छोड़ना नहीं चाहिए, न प्रमदितव्यम, ऐसा स्वाध्याय को मत छोड़ो। ऐसा ही भक्ति मार्ग में स्वाध्याय लागू है भक्त के लिए, ऐसा ही पतंजलि महर्षि अपना योग दर्शन में स्वाध्याय को एक मुख्य स्थान दिया है। द्वितीय अंग के पंचम पंच नियमादि में ये चतुर्थ शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रेरणाधाम चतुर्थ नियम है पातंजलि दर्शन के द्वितीय अंग में। पंच नियम में चतुर्थ नियम में स्वाध्याय करना चाहिए। इसी प्रकार से हम अपना सर्वसाधारण गृहस्थ जीवन, उद्योग जीवन, व्यापार जीवन करते वक्त हमारे लिए स्वाध्याय की और भी ज्यादा जरूरत है। जो कर्म क्षेत्र में अपना हर रोज व्यवहार करना है उनके अंदर विक्षेप का ज्यादा संभावना है,
कई प्रकार के दूषित वातावरण में जाकर के हम अपना कार्य को करना पड़ता है, तो एक दृष्टि से हमारे माता लोग जो हैं वो ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, तो अनेक ज्यादा संख्या में माता लोगों की कर्म क्षेत्र अपना ग्रह में सीमित घर में ही रहना पड़ता है और घर का वातावरण पर्यावरण जिस तरह से चाहे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन पुरुषों की ऐसा नहीं है, बाहर जाकर के उद्योग करना पड़ता है, शहर में जाना पड़ता है, हा? हर पुरुष या सरकारी नौकरी किया या कोई अपना स्वयं उद्योग किया, व्यापार किया, व्यापारी के पास में काम करता रहा, शहर में इधर उधर जाकर के प्रतिदिन वो अपना आपको बड़ा हिंसा करना पड़ता है, दूषित वातावरण में पर्यावरण में जाना पड़ता है, अनेक प्रकार की बातों को सुनना पड़ता है, अनेक प्रकार को दृश्यों को जबरदस्ती देखना पड़ता है, अनेक प्रकार की संगत करना पड़ता है, तो जो घर के क्षेत्र में घर की कार्य करता हुआ माता है तो इससे बहुत उसकी परिस्थिति जो है अच्छा परिस्थिति है, इन सब चीजों से वो सुरक्षित है। लेकिन कार्य करने वाले जो नारी लोग हैं, जो वर्किंग वुमेन, उनका ये तो वेरी वेरी डिप्लोरेबल कंडीशन, वो भी सोचनीय है। जो बाहर जाकर के सर्विस करते हैं माता लोग, उनका दशा तो बहुत सोचनीय है, वो भी इस प्रकार की बहुत गंदे वातावरण में जाकर के तो अपना इस व्यवहार को करना पड़ता है, इसलिए इनको ज्यादा आवश्यकता है स्वाध्याय की। क्यों? प्रातः काल गया तो 8 घंटे 9 घंटे इस प्रकार की अनुचित वातावरण में दूषित पर्यावरण में रह करके जाना पड़ता है, कई प्रकार के व्यक्तियों के साथ उनका व्यवहार करना पड़ता है, तो उनके मन विचलित हो जाता है, मन के अंदर बहुत विक्षेप आ जाता है, अशांति आ जाता है, और हम नहीं भी चाहें तो कुछ ना कुछ इन बातों की जो ये है एक शेष वहां पर जाकर के मन में टिक जाता है, और व्याकुल होकर के जब वापस आते हैं, आपके पास ये शक्तिशाली शस्त्र है, क्या है, तो 8 घंटा 9 घंटा बाहर जाकर के दूषित वातावरण में रह करके अपना धंधा करते हुए कर्म को करके सर्विस करके जब वापस आते हैं उसको उसी दिन समाप्त कर लेना चाहिए। ये संसार और प्रपंच के दूषित वातावरण की जो कुछ प्रभाव आपके अंतकरण में उतरा है उसको वहां रहने नहीं देना चाहिए, तुरंत उसी समय में उसको समाप्त कर लेना चाहिए। अभी देखो हॉस्पिटल में सर्जरी के डिपार्टमेंट में सर्जन जाकर कई केसों को चीर फाड़ की शल्य शास्त्र की प्रयोग करके उसके साथ कार्य करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन करते वक्त वो मरीज का तो खून है, टीप है, ये है, और कई प्रकार के दूषित ये तत्व भी उनके हाथ में आ जाता है, वैसा तो ग्लव डाल करके वो कार्य करते हैं, रबर का ग्लव डाल करके करते हैं, फिर भी उनके अंदर मैल गंदगी और कभी इन्फेक्शन आए तो इन्फेक्शन का भी डर रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मेजर सर्जरी में सर्जिकल वार्ड में सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में कार्य करने के बाद जब आते हैं तो आकर के वॉशिंग करके वहां जाकर के वो कपड़ा को सब निकाल लेते हैं, ग्लव्स को भी निकाल लेते हैं, और तो डेटॉल का डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन रख करके साबुन डाल करके खूब यहां तक अपना हाथ को साफ करके वो सब मैल से सब निवृत्त होकर के मुक्त होकर के तब घर जाते हैं, नहीं तो उनको खाने के लिए भी जी नहीं करेगा। जिस तरह के कार्य वो करते हैं, आंतरियों में अपेंडिक्स है, कोई कोलाइटिस है, और स्ट्रैंगुलेशन ऑफ इंटेस्टाइन्स है, उसको सब चीर फाड़ करने में मलमूत्र सब उनके हाथ में आता है, तो घर में जाकर के उनको वहां तो इस हाथ से खाने के लिए जी नहीं करेगा, फिर भी पूरा के पूरा साफ करके उसकी गंदगी से मुक्त होकर के फिर जाते हैं। हर रोज ऐसा करना पड़ता है, जब भी ऑपरेशन है ऐसा करना पड़ता है। इसी प्रकार से आप व्यवहार क्षेत्र के गंदगी मैल अंदर लेकर के जब घर आते हैं तुरंत वहीं पर उसको साफ कर लेना चाहिए, उसको उससे मुक्त हो जाना चाहिए, उसके लिए स्वाध्याय
भगवत दिव्य नाम की जप ये तो है, लेकिन स्वाध्याय जो है मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, भाव के अंदर, चित्त तक पहुंचता है। तो भगवान के दिव्य नाम की जब इतना गहराई तक एकदम नहीं पहुंच सकता है, लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं हमारे अंतकरण के चारों हिस्सा के ऊपर उसका प्रभाव होता है, क्योंकि नवरस से भरी जो चीज है और इमोशंस आर प्यूरिफाइड एंड अपलिफ्टेड, अवर माइंड इज प्यूरिफाइड, नेगेटिव थॉट्स आर इमीडिएटली रिमूव्ड, इरेडिकेटेड एंड बुद्धि बिगिंस टू वर्क इन ए डिफरेंट वे, हमारे बुद्धि के विचार को प्रेरणा देता है, उसके लिए नया एक दिशा में प्रेरणा करता है, प्रवाहित करता है बुद्धि की विचार शक्ति को, विचारधारा को, और अंत तो गत्वा उसके शेष जो है तो चित्त के तक जाकर के चित्त में रह जाता है, हम बार बार उसको याद कर सकते हैं। ऐसा प्रभावशाली एक कार्य स्वाध्याय, स्वाध्याय के द्वारा जो कुछ इस प्रकार की दो तीन दिन का श्रवण के द्वारा आपने जो प्राप्त चीज को उसको समृद्ध वृद्धि बढ़ाते बढ़ाते जाने के लिए, वृद्धि करते जाने के लिए, ताकि यहाँ पर प्राप्त किया हुआ चीज उतना ही तक नहीं रहे, दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाए, उसको स्वाध्याय के द्वारा पुष्टित करना चाहिए। यू हैव टू सपोर्ट इट एंड एनहेंस इट टू रेगुलर स्टडी ऑफ इंस्पायरिंग लिटरेचर, एलिवेटिंग स्क्रिप्चर एंड scriptures that throw a flood of light upon the path of life and take us towards the goal. क्योंकि स्वाध्याय में बहुत विभिन्न प्रकार के विचित्र लाभ तो साधक को और भक्त को मोक्ष जिज्ञासु को है। एक तो ये सबसे बड़ा स्वाध्याय की देन है, मन को साफ करता है, विचार में परिवर्तन ले आता है, नया दिशा विचारधारा को देता है और मन में जो गया हुआ गंदगी मैल को वो दूर करके साफ कर लेता है, विचार को नया बना देता है। इट इज ए डेली रिन्यूअल ऑफ योर सेल्फ, इट्स ए डेली रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, योर इनर मैकेनिज्म वेरिन लाइज द रूट ऑफ ऑल योर एक्शंस, योर बिहेवियर। जैसा मन वैसा अपना करनी है, जैसा मति वैसा गति कहते हैं ना, एज ए मैन थिंकर सो ही बिकेमन। गुरु महाराज ने कहा एक मन के विचार से एक आदमी की एक क्रिया बन जाता है और ऐसा कार्य से इसी प्रकार के विचार धारण करना, विचार धारण करना ऐसी कार्य में हम लगे रहते हैं, ऐसा कार्य करते करते हमारे अंदर उसका आदत बन जाता है और जिस तरह के हमारा दैनिक जीवन में इन आदतों को हम बढ़ाते 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 जाते हैं, हम ऐसा ही बन जाते हैं। जैसा हमारा आदत बन जाता है हमारा दूसरा प्रकृति बन जाता है, स्वरूप बन जाता है, हम ऐसे ही बन जाते हैं। उन्होंने बोला इसलिए मनुष्य के जो भाग है, मनुष्य के जो चरित्र है वो सब विचार से आता है। So a thought, out of the thought you reap an action. Go on sowing an action, you reap a habit. Go on sowing a habit, you reap a character. And go on sowing a certain type of character, it becomes your destiny. विचार से कार्य, कार्य से चरित्र, चरित्र से आपके भविष्य की भाग, सब विचार के ऊपर आधारित है। विचार को ऊंचा रखना, उन्नत रखना, परिचय रखना एक इम्पॉर्टेंट कार्य है हमारा आत्म विकास के कार्य में, विचार की पवित्रता, विचार की तो उत्कृष्टता, उन्नत विचार को रखना, ये स्वाध्याय इसके लिए बहुत काम देता है, विचार में परिवर्तन। और साथ साथ स्वाध्याय में हमें अपना जीवन में मार्गदर्शन मिलता है, साथ साथ हमारे लिए एक स्फूर्ति और नवीन प्रेरणा भी जागृत होती है स्वाध्याय के द्वारा, और स्वाध्याय से हमारे सामने एक आदर्श खड़ा हो जाता है और स्वाध्याय से हमें बहुत सारा ज्ञान की वृद्धि भी होता है। इट बिकम्स ए सोर्स ऑफ मच इन्फॉर्मेशन, एनहेंसिंग अवर नॉलेज, इंस्ट्रक्शन
It also provides us with inspiration and ultimately it gives us the energy and the inner strength to completely change ourselves and establish a new character and a new life in us. It is informative, instructive, inspiring and life transforming. ये स्वाध्याय की हमारे लिए देर है. तो इस प्रकार के साधना के द्वारा भवानी पटना में संपन्न ये तीन दिन की सम्मेलन के रूप में उत्तम सत्संग के अनुभव की लाभ इस सम्मेलन के रूप में श्रवण करने की जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त इस निधि को बढ़ाने के लिए आगे आप अपना अपना स्थान को पहुंचेंगे तो स्वाध्याय को करते जाना, इसको ये विचारधारा को आगे बढ़ाते आगे लेते जाना, बनते जाना. ऐसा ये तो आपने वास्ते हो गया और आपकी इतनों के वास्ते भारतीय भाई बहन आपकी जो फेलो श्री उनके लिए जो यहाँ से प्राप्त जो ज्ञान प्रसार के रूप में लेख आपको छपा हुआ मुद्रित प्रकाशित लेख आपको प्राप्त हुआ है, जिनके जिनके पास ये करने की शक्ति है, आप इसको छपवा करके आपके आपके स्थान में औरों को बांटना. इस ग्रेट सर्विस यू कैन डू टू योर ओन फेलो सिटीजन्स ऑफ भारतवर्ष, to your own colleagues and associates in your own circle, in trying to bring about a change in the picture of our country's state, our situation, which we bemoan at this moment. जो हमारे राष्ट्र के हमारे भारतीय समाज के जो परिस्थिति के विषय में हम बहुत अफसोस करते हैं, हम खेद दिखाते हैं, हम दुखित हैं, तो उसमें परिवर्तन करना है. आपके तरफ से ये योगदान आप दे सकते हैं, आपके तरफ से ऐसा परिवर्तन ले आने के लिए योगदान आप दे सकते हैं. आप ये नहीं सोचना ये और कोई करेगा ये काम, जैसा मैंने कहा हर एक आदमी वो इतना आदमी दूध डालता है ये टंकी में, तो हम एक आदमी एक लोटा पानी डाला तो क्या होगा, तो और कोई दूध डाल लेगा, ऐसा और करेगा और कोई करेगा, ऐसा नहीं समझना. हम समझना कि हमारा काम मेरा भारतवर्ष है, मेरा ही आत्मबंधु है भारतीय प्रजा, मेरे से अरे पूरा के पूरा विश्व मानव को अपना कुटुंब समझना, एकता में हमारे आत्मीय एकता में उसको हमारे ही है, पराया कोई है नहीं, ऐसा हमारे सामने आदर्श रखा है हमारे भारतीय पूर्वज. पूरा के पूरा विश्व को अपना एक परिवार समझो, अपना ही कुटुंब समझो, ऐसा जब कहा है तो और ज्यादा ये लागू होता है कि कम से कम भारतवर्ष को पहले अपना परिवार समझो, भारतवर्ष के सब जनता को अपना कुटुंब समझो, शुरू करो अपना घर में एकता, एक अपना परिवार अपना कुटुंब ऐसा भाव शुरू करो अपना घर में अपना देश में अपना राष्ट्र में, उसके बाद देश विदेश की बात देखेंगे. फर्स्ट स्टार्ट विद योर ओन होम फीलिंग वी आर ऑल वन. हम बंगाली हैं.